दोस्तों अक्सर आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि मैं जब भी आदित्य चोपड़ा से जुड़ी हुई खबरें आप लोगों को बताता हूं तो मैं एक बात अक्सर आदित्य चोपड़ा को लेकर मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि भाई आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड के ऐसे प्रोड्यूसर्स में से एक हैं जिनको बिजनेस बहुत ही सटीक तरीके से करना आता है। उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उनको अपनी किस फिल्म को किस डायरेक्टर के साथ बनाना चाहिए, किस फिल्म में किस कलाकार को लेना चाहिए और किस फिल्म के लिए किस डायरेक्टर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने देखी है ये बात कि आदित्य चोपड़ा अक्सर अपनी फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स का नाम जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं। वो किसी एक डायरेक्टर के ऊपर केंद्रबिंदित होकर भैया अपनी हर एक फिल्म का काम उसको नहीं देते हैं। अब देखिए, उन्होंने स्पाई वर्ल्ड की शुरुआत की थी 2012 में, एक था टाइगर के रूप में, जिसका डायरेक्शन किया था कबीर खान ने। लेकिन जब इसी फिल्म का दूसरा पार्ट हम लोगों के सामने आया था, टाइगर जिंदा है, तो भैया यहां पर आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्टर का नाम बदलकर कर दिया अली अब्बास जफर, यानी कि भैया अली अब्बास जफर ने टाइगर जिंदा है का काम पूरा किया था। देन उसके बाद टाइगर का ही पार्ट थर्ड जब सिनेमा घरों में आ रहा था तो यहां पर एक बार हम लोगों ने फिर से यह बात देखी कि भाई आदित्य चोपड़ा ने ना तो अली अब्बास जफर को मौका दिया, ना ही कबीर खान को मौका दिया, यहां पर उन्होंने मनीष शर्मा को मौका दिया। इसी स्पाई वर्ल्ड में आदित्य चोपड़ा ने और भी कई सारे कलाकारों की एंट्री कराई, जैसे कि भैया ऋतिक रोशन और उसके बाद टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर के रूप में। तो भैया वॉर में ये दोनों कलाकार जब आए थे तो भैया इस फिल्म के भी डायरेक्टर को उन्होंने चेंज किया था, यानी कि भैया यहां पर एक नया डायरेक्टर हम लोग के सामने आया था सिद्धार्थ आनंद के रूप में। लेकिन इसके बाद आदित्य चोपड़ा ने एक बार के लिए फिर से सिद्धार्थ आनंद के ऊपर अपना विश्वास जताया और उनको पठान का काम दिया। पठान के काम को पूरा करते हुए सिद्धार्थ आनंद ने वो काम कर दिखाया जिसकी कामना आदित्य चोपड़ा उनसे कर रहे थे। तो क्या तीसरी बार सिद्धार्थ आनंद के ऊपर भरोसा जताएंगे आदित्य चोपड़ा? इसको लेकर सवालों का बाजार बहुत ही जबरदस्त लेवल पर गर्म हो चुका है मेरे भाई, क्योंकि हाल फिलहाल में जब वॉर के पार्ट टू को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस बार इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद नहीं होंगे बल्कि आयान मुखर्जी होंगे, तो वहीं से ये बात क्लियर हो गई थी कि भैया आदित्य चोपड़ा के दिमाग में कुछ अलग चल रहा है जिसके बारे में शायद ही कोई दूसरा इंसान समझ पाए। क्योंकि इसके साथ ही साथ एक और स्पाई वर्ल्ड की फिल्म की जानकारी हम लोगों के सामने आई है जिसमें वो दो मुख्य लीड फीमेल एक्ट्रेसेस को स्पाई वर्ल्ड में लेकर आ रहे हैं, आलिया भट्ट और सरवरी वॉक के रूप में, जिसका डायरेक्शन मतलब इस फिल्म का डायरेक्शन भी एक नए डायरेक्टर से करवाया जा रहा है, यानी कि शिव रवेल वो इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। यानी कि हर एक फिल्म का डायरेक्शन जो इस वक्त स्पाई वर्ल्ड के लिए हो रहा है उसके लिए अलग अलग डायरेक्टर का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। तो भाई यहां पर अब पठान के पार्ट टू को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस बार पठान के पार्ट टू का काम जो है वो सिद्धार्थ आनंद को नहीं मिलने वाला है, यानी कि भैया इस बार पठान के पार्ट टू का काम किसी और डायरेक्टर के कंधे पर रखना चाहते हैं आदित्य चोपड़ा, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। और इसका जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि भैया देखिए, टेक्निकली ये कारण तो मैं भी सही मानता हूँ कि जब आप एक डायरेक्टर के साथ लगातार काम कर रहे होते हैं तो भैया उस डायरेक्टर का काम करने का पैटर्न जो होता है वो लगभग लगभग किसी बड़े फिल्म को देने के बाद कुछ ना कुछ उसी सिनेरियो के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी कि भैया जब सिद्धार्थ आनंद ने वॉर दिया, पठान का पार्ट वन दिया, तो उन्होंने इन दो बेहतरीन फिल्मों को कुछ इस तरह से ऑडियंस के सामने रखा कि भैया उनके पास अगर वो तीसरी फिल्म को लेकर आते हैं, यानी कि भैया पठान के पार्ट टू को लेकर आते हैं, तो उनकी फिल्मों में इन दोनों फिल्मों की छाप हमें देखने को मिलेगी जो कि भैया इस फिल्म के लिए घातक हो सकती है। और इस बात को समझते हुए भाई आदित्य चोपड़ा जो है वो सिद्धार्थ आनंद को इस फिल्म से आउट करने वाले हैं, यानी कि भैया न्यू माइंड के साथ, न्यू क्रिएशन के साथ पठान के पार्ट टू को सिनेमाघरों में लाने की तैयारियों में जुट चुके हैं आदित्य चोपड़ा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया पठान के पार्ट टू को लेकर जो अपडेट हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस बार इस फिल्म की बागडोर सिद्धार्थ आनंद के हाथों में नहीं जाने वाली है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो आदित्य चोपड़ा ने फैसला लिया है कि भाई नई सोच, नई क्रिएशन को मौका देना चाहिए ताकि ऑडियंस को नया फील मिल सके, उनका ये सोचना सही है कि नहीं,
अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुल रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।